इस रास्ते से मुझे ऊपर जाना है। अभी कुछ टाइम में गौरन आंसू दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज सुबह मेरे मितान का फ़ोन आया था और उन्होंने मुझे गौरा नृत्य देखने के लिए बुलाया है, तो मैं आज गौरा नृत्य देखने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। और जहां मैं जा रहा हूं वह गांव जंगल के बीच में बसा हुआ है और वह हाथी प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों। और वहाँ जाने के लिए कोई ख़ास रास्ता भी नहीं है दोस्तों, कच्ची सड़क है, वहाँ कोई कार वार मुश्किल से ही जा सकता है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। देखिए दोस्तों कितना घना जंगल है और इस घने जंगल के बीच में अकेला जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ हाथी का भी खतरा है दोस्तों, इधर हाथी का प्रभाव बना रहता है दोस्तों। दोस्तों आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, उसी पहाड़ के पीछे है उनका गांव और मुझे वहां जाने के लिए इस पहाड़ को क्रॉस करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ की सड़क काफी खराब है। दोस्तों अभी मैं सुनसान वीरान जंगल में हूँ, इस रास्ते से मुझे ऊपर जाना है दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, और कैसा लगा ये कमेंट ज़रूर कीजिए। दोस्तों यहाँ का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है, लेकिन जितना खूबसूरत है उतना खतरा भी यहाँ पर है दोस्तों, क्योंकि यह हाथी प्रभावित क्षेत्र है। अभी दोपहर के 1 बजने को है दोस्तों और मैं यहाँ सब जा रहा हूँ। फाइनली दोस्तों मैं अभी मितान के गांव पहुँचने वाला हूँ। देखिए यहाँ कितनी खेती की गई है, अभी रबी फसल की बुआई शायद इसमें धान बो चुके होंगे या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अभी बुआई रबी फसल का सीजन है दोस्तों। दोस्तों मुझे कोई गियर बदलना नहीं पड़ा दोस्तों, 4 गियर में चल गई गाड़ी। देखिए दोस्तों पहुंच गए हम गांव। दोस्तों मैं अभी मेरे मितान के साथ में हूँ, ये देखिए मेरे मितान जा रहे हैं। अभी कुछ टाइम में गौरन आज शुरू होगा, शुरू होने में कुछ टाइम बाकी है दोस्तों, तब तक मैं आपको ये गांव दिखाता हूँ। ये गांव कैसा है, बिल्कुल चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है ये गांव दोस्तों। चलिए अभी दिखाता हूँ मैं। देखिए दोस्तों इधर खेतों में सब्जियाँ लगाई गई हैं और ये है खेत। देखिए गर्मी के मौसम आने वाला है दोस्तों, तो अभी फसल नहीं लगाए हैं, ये जोत के खाली छोड़ दिए हैं। बरसात में दोस्तों इसमें अधिकतर इधर धान की खेती की जाती है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों मेरे मितान का कुआं, ये है मंदिरका के द्वारा पास किया गया था महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत इसे बनाया गया था। देखते हैं इसमें कितना पानी है दोस्तों।
जल स्तर एकदम कम हो गया दोस्तों, अभी सूख गया है ये कुआं। इस गांव की खास बात यह है कि दोस्तों कि यहां के हर लोग आपसी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से जलन नहीं। दोस्तों यहां पर दोस्तों का पारस्परिक संगठन देखने को मिला दोस्तों, और ये मिलकर अभी गौरा नाच नाचने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों मेरे मितान का खेत देखिए, यहाँ पर आलू की सब्जी लगाई गई है, यहाँ पर धनिया की खेती की गई है, और ये देखिए दोस्तों प्याज, अभी हाल ही में प्याज लगाया गया है जो अभी छोटा छोटा है। ये है मेरे दूसरे मितान और ये हैं उनकी बच्ची, काफी क्यूट है। हाय बोल दो। हाय बोल बेटी, चल। हाय दोस्तों, ये है यहाँ का प्राथमिक शाला, यहाँ पर पहली से पांचवी तक की पढ़ाई होती है, और इसके बाद बच्चे लोग आगे की पढ़ाई के लिए चिमटे पानी या अपने ब्लॉक घरगुड़ा में चले जाते हैं। दोस्तों ये है यहाँ का तालाब। दोस्तों 25 वर्ष पहले इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण ट्यूबवेल वगैरह यहाँ नहीं चलते थे, और जल स्तर काफ़ी नीचे है, इसलिए लोग यहाँ का पानी पीने के लिए मजबूर थे। लेकिन अब इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद अब ये ट्यूबवेल का पानी आराम से प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों मैं उस स्थान पर हूँ अभी जहाँ पर गौरा नाच पार्टी अभी अपना वेशभूषा धारण कर रही है और मेकअप वगैरह कर रही है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। बखरी के तुमाना बरोबर मन झुमरे, डुंगरी के पाके चार ले जाना नी देवे। दोस्तों अभी मेरे साथ में कर्मा नाचने वाले मेरे मितान हैं, कर्मा भी कह सकते हैं, गौरव भी कह सकते हैं, रथ भी नाचते हैं। मैं इनसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं जो इनका जवाब देंगे। मितान तुम कब से नाच चालू कर रहा हूँ? 2015 से लगभग हम लोग नाचना चालू किए हैं। अरे 5,000 कह रहे हैं कि 2015 से नाचना चालू किए हैं, और अरे हमारे गांव देहात में है जो हमारे सलाह है मितान, और नीना जी हो तो 500 रुपये का जुर्माना लेते मितान, बड़ा दंडनीय है। हम पढ़ाई लिखाई बहुत करे हैं, लेकिन गांव के जो शासन है हम चल देते हैं, नाच किसे करी। ये बोल रहे हैं कि अगर नहीं नाचने जाएंगे तो 500 रुपये इनका जुर्माना देना पड़ेगा। मितान तुम्हें अपन संस्कृति पर बहुत अच्छा काम करत हो, तुम्हें किसे महसूस होते था बताओ? अरे गर्व है हमार संस्कृति, हमन जो हमारे गांव के जो हमारे गौरा रानी ला भी अब हमन अभी पेरघा जात हन, ओकर बाद नाचा कूदा करबो, हमन ला बड़ा गर्व है मितान की हमार जो अभी हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला हमन आगे बढ़ात हन, हमन ला बहुत अच्छा लागत है, हमन नाचथन ते गर्व। आप बहुत अच्छा काम करते हो मितान, धन्यवाद। ये बोल रहे हैं कि इन्हें गर्व है अपनी संस्कृति पर और इन्हें नाचना अच्छा लगता है। दोस्तों अभी कुछ देर में गौरा नाच अभी चालू होगा और हम लोग माझा खोल की तरफ जा रहे हैं, वहीं पर गौरा नाच होगा। दोस्तों
सो गाइस मैंने पूरा प्रोग्राम देखा और अब घर के लिए निकल रहा हूँ, क्योंकि गाइस मुझे जल्दी घर जाना है, क्योंकि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है तो रात को जाना अब सेफ नहीं है और ठंड भी काफ़ी बढ़ जाएगी रात को। तो दोस्तों आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, हमारी संस्कृति आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।